अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी जो है टाइम हो रहा है तकरीबन 10 बजने में 10 मिनट पड़े और 27th ऑफ मई और फ्राइडे का दिन है और आज मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पर पुर्तगाल में। मतलब ना ही इतनी धूप है ज़्यादा, मतलब तेज़ जो धूप होती है ना, और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। तो मैं जा रहा हूँ काम पे, सालार 10 बजे चला गया था लेकिन मुझे 12 बजे पहुंचना है तो मैं भी अभी जा रहा हूँ। और जो है आज काम की जो सूरत हाल होने वाली है वो मतलब हो सकता है थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए लेकिन नॉर्मल ही होगा। और कल सैटरडे संडे और सनी डेज हैं तो वो जो है टाइट हो गए। तो चलते हैं अभी, देखते हैं कोई वहाँ पर सीन होगा, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल बस का वेट करते हैं और देखते हैं कितने टाइम में आती है बस। वैसे तो मैं आज जल्दी निकल आया हूँ लेकिन कल भी मैं जल्दी पहुँच गया था, होपफुली आज भी पहुँच ही जाएंगे जल्दी और मैं भी शायद बस आ भी रही है वहाँ से। तो चलो मिलते हैं रास्ते में, बातें वगैरह भी करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन देनी होगी तो आपको वो भी देंगे। तो गाइस उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अभी मैं मेट्रो से उतर कर काम पे जा रहा हूँ। और आज थोड़ी बातचीत करते हैं कि हम जो है वो जब यूक्रेन में जंग हुई तो उसके बाद हमने किसी और कंट्री में स्टे क्यों नहीं किया और जो है पुर्तगाल में क्यों आए, क्योंकि सारा यूरोप छोड़कर, क्योंकि ये लास्ट कंट्री है पुर्तगाल, उसमें ही क्यों आए हम। हेलो, तो काफ़ी सारे लोगों को पता ही है, बल्कि सबको पता है कि पुर्तगाल में आने की वजहें क्या होती हैं, लेकिन हम सारे स्टडीज़ ऑप्शन छोड़कर और सारे जो है स्कॉलरशिप्स भी दे रहे थे कुछ, जैसे कि हंगरी था, इटली में थी और फिनलैंड में थी, जो हमें फ्री स्टडीज़ के जो है वो भी ऑप्शंस मिल रहे थे, सस्ते जो है चीप स्टडीज़ के भी ऑप्शन जो है हमें मिल रहे थे, लेकिन हमने वो सब छोड़ दिया, हमने स्टडीज़ को भी जो है वो छोड़ दिया। और अगर हम काम की बात करें तो जर्मनी में, फ्रांस में 3,000 यूरोज़ की सैलरीज़ हैं वहाँ पर, हमने वो सारी चीज़ें छोड़ के हम पुर्तगाल में क्यों आए। तो सबसे बड़ी वजह आप सबको पता है, वो है पेपर्स। पुर्तगाल में पेपर्स जो है आपको डॉक्यूमेंट्स ईजिली मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पर भी टाइम लगता है। अगर आप कंपैरिजन करें पुर्तगाल का स्पेन के साथ या फिर जर्मनी के साथ, जर्मनी और फ्रांस वाले तो पेपर्स देते ही नहीं हैं, इटली वालों का जो है वो किस्मत होती है, अगर आपको 6 महीनों में मिल गए तो ठीक है, अगर सारी ज़िंदगी नहीं मिले तो नहीं मिलेंगे, वो अजालियम का चक्कर होता है। जर्मनी में भी यही होता है और फ्रांस में भी यही होता है, मतलब बड़ी मुश्किल से 10-10 साल लग जाते हैं फिर निकाल देते हैं जर्मनी वाले और पेपर्स नहीं देते। और स्पेन में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, तकरीबन 10 साल लग जाते हैं, वहाँ भी 12 साल लग जाते हैं आपको जो है पेपर्स मिलते मिलते। और अगर हम पुर्तगाल की बात करें तो ये भी स्लो हैं लेकिन ये एक बात कन्फर्म है कि यहाँ पर आपको 100% जो है आखिर में जाके मिलेंगे। टोटल अगर हम कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊं तो 7 साल लगते हैं यहाँ का पासपोर्ट लेने में, लेकिन जो है आप 2 साल में यहाँ की TRP कार्ड लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, फिर 5 साल आप कहीं भी गुजारें, घर वापस चले जाएं, फिर आएं, मतलब कुछ भी करें, ये उनका कंसर्न नहीं है। आप जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे तो 5 साल का अरसा गुजारने के बाद आपको जो है वो पासपोर्ट दे देंगे। तो ये कुछ फ़ायदे हैं अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर सैलरी बहुत कम है, ओनली 700 यूरो, यहाँ पर 800 यूरो बनते हैं सैलरी और टाइम भी लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छी बात है। अगर हम चाहें तो अभी 2 साल यहाँ का कार्ड लेके उसके बाद हम कहीं भी जो है अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं यूरोप के किसी भी कंट्री में। तकरीबन बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इटली में जैसे कि ऑप्शन होता है वो स्कॉलरशिप देते हैं और 3 साल का बैचलर्स होता है वहाँ पे, तो ये एक शॉर्ट भी टाइम हो जाता है और वहाँ पर स्टडीज़ भी फ्री हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। और ये पुर्तगाल की अच्छी बात है कि आप अगर यहाँ पर इलीगल हो गए या फिर कोई और मसला हो गया तो ये आपको डिपोर्ट वगैरह नहीं करते, आपको पाकिस्तान नहीं भेज देते,
तो ये भी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि यहाँ पर लोग, काफी सारे लोग मैंने देखे जिनके पास पासपोर्ट तक नहीं है, ढंग की लगा कर आए हैं, और उन्होंने भी जो है आर्टिकल 88 में अप्लाई किया हुआ है, उनके जो है वो टैक्स वगैरह देंगे और उनको भी टीआरपी कार्ड मिल जाएगा। तो चलो यार अभी चलते हैं काम पे, और होपफुली आज जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ मैं अपना काम भी दिखाऊं, क्योंकि वहाँ भी 2-3 किले वैसे तो काफ़ी सारा बिजी होता है इधर उधर, तो मतलब ये चीज़ नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करूंगा कि 1-2 क्लिप्स आपको दिखाऊं कि किस तरह का मेरा काम होता है। बाकी काम के बाद मिलते हैं, जो भी बातें हैं फिर करेंगे। Quando eu ponho venda todos os caras, e o snack também, quando eu ponho venda, é porque eu estou só registrado para o cliente pagar. Não é para fazerem. Quando eu ponho assim em venda, não façam. Está bem? Pode bater. Pode bater. É o que a gente diz assim. Is it 21? Yeah. Oh, great. तो गाइस अभी जो है वापसी जा रहे हैं काम से, शाम के 8 बजे हैं, और आज शाम को जो है वो काफ़ी रश है, काफ़ी रश है, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है और कल छुट्टी भी है, और जो है मौसम दिन को बहुत ही गर्म होता है, तो इसलिए लोग जो है वो शाम को ही आना पसंद करते हैं, और अभी ऐसा ही होगा क्योंकि पुर्तगाल में भी गर्मी जो है वो ठीक ठाक होती है, तकरीबन 40 तक जो है वो टेम्परेचर चला जाता है, 42 बता रहे थे यहाँ पर जो शेफ थी मुझे कि 42 तक भी चला जाता है यहाँ पर टेम्परेचर। तो अभी चलते हैं, बस का इंतज़ार करते हैं आएगी और फिर जाएंगे घर। तो सुबह को बात कर रहे थे कि हम पुर्तगाल क्यों आए थे, तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर किसी को नहीं पता है तो बता देते हैं। सारे लोग यार अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि टेम्परेरी बेसिस पर, जो कि हमारी थिंकिंग है वो जो है ये है कि काफ़ी सारे लोग टेम्परेरी बेसिस पर तो कमा लेते हैं 1-2 साल के लिए अच्छी सैलरीज, लेकिन फिर उनको जो है यूरोप से मुश्किलें होती हैं, फिर वो सेम ही पुर्तगाल में आते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा अरसा वो रह नहीं सकते, चाहे जर्मनी हो या कोई और कंट्री हो। तो वो भी हमने कई सारे लोग देखे हैं, इवन के यूके से सारे लोग यहीं पुर्तगाल में आते हैं। इससे अच्छा ये है कि थोड़े टाइम की सैलरी के लिए हम जो है 1-2 साल यहाँ पर कम सैलरी पर काम कर लें, और उसके बाद जो है फिर चले जाएं आराम से, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, काम करें, पढ़ें, डिग्रीज लें, कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहला जो हमारी तरजीह है वो यही है कि डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएं यहाँ के यूरोप के। तो हर किसी की अपनी थॉट है, और हमारी यही थॉट थी, और आज की वीडियो के लिए यही था। मेरी बस अभी तक आई नहीं है, देखता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये नहीं भी आती है तो 10 मिनट वेट करके ही यहीं पे देख लेते हैं, अगर नहीं आई तो फिर जो है पैदल ही जाना पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगी और बस मिस हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए यही सारी चीज़ें थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यार मैंने कल जो है एनालिटिक्स देखे थे आपने यूट्यूब चैनल के, तो 75% लोगों ने अनसब्सक्राइब किया हुआ है, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, तो यार ऐसा तो मत किया करो, सब्सक्राइब कर लो, कर दो, हम डेली जो है वो आप तक इंफॉर्मेशन वगैरह पहुंचाते रहते हैं, और गुड न्यूज़ ये है कि मेरी बस आ गई है, तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर जो है वो हमारे फेसबुक पेज पे, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है,
तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में.